आज की जो लेसन है वो है ह्यूमन स्केलेटन, बट रादर देन ह्यूमन स्केलेटन बोलने से हम लोग इसको कहेंगे ह्यूमन स्केलेटन। द टॉपिक इज बेटर नेम्ड एज ह्यूमन एंडोस्केलेटन। ठीक है। नाउ ह्यूमन एंडोस्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन एंडोस्केलेटन में, एंडोस्केलेटन की बात करता हूं, ह्यूमन एंडोस्केलेटन। कितने बोन्स होते हैं? हाउ मेनी बोन्स आर देयर? जब टीचर तोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा थोड़ा बढ़ जाता है, ये 412 हो जाते हैं, है ना। जब टीचर और पापा जब कूटते हैं तब ये 412 पे पहुंच जाते हैं। क्या सही है गलत है? नाउ एक्सो एंडोस, हाँ स्केलेटन, एंडोस्केलेटन दो से होते हैं, यानी कि दो मेजर पार्ट टाइप नहीं कहेंगे हम, इसको कहेंगे मेजर पार्ट। तो मेजर पार्ट दो क्या है? एक है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल क्या होता है, चलिए बात करेंगे, पहले ये बता देता हूं। दूसरे को कहते हैं एपेंडिक्यूलर स्केलेटन, बहुत धीरे धीरे, एपेंडी, एपेंडिक्स का नाम सुना ही होगा, उसी तरह एपेंडी, एपेंडी। उसके बाद क्यूलर, एपेंडी क्यूलर, एपेंडी क्यूलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन एक्चुअली फॉर्म्स द बॉडी, दिस स्केलेटन फॉर्म्स दी बॉडी। ठीक है। अब एंडोस्केलेटन का दो मेजर पार्ट है, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स है, कितने बोन्स है? 80 बोन्स। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन होंगे? 126 बोन्स। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होते हैं। बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन की। हेलो, हम लोग, क्या आप लोग मेरे साथ हो? एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे। एक्सियल स्केलेटन में कैसे क्या क्या मिलते हैं वो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एपेंडिकुलर स्केलेटन, आपके मन में कुछ क्वेश्चन फूट रहे होंगे, सर ये भी बता दो। तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में एक हिंट आपको दे देते हैं, बोन्स ऑफ, बोन्स ऑफ पेक्टोरल। ठीक है, बोन्स ऑफ एंड पेल्विक रीजन एंड पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन एंड पेक्टोरम क्या है? रीजन, बोन्स ऑफ पेक्टोरल एंड पेल्विक रीजन। ठीक है। इसके साथ साथ है एंड, और भी जोड़ देते हैं, एंड आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स एंड लेग्स, इसको मिला के
इसकी है टोटल 126 बोन्स, यानी कि दीज बोन्स आर शॉर्ट बोन्स, साइड बोन्स, ब्रांच बोन्स। अब जिसको अभी तक बॉटनी पढ़ के आए हो तो वो वही चीजें जो मैं समझाता हूँ। तो इस टाइप की जो बोन है, एक्स्ट्रा बोन है, एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर मतलब है एक्स्ट्रा पार्ट का जो बोन निकलते हैं वो है आपकी एपेंडिकुलर स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन मतलब जो मेन बोन है, ठीक है, ये मेन बोन है, इसको कहते हैं एक्सियल स्केलेटन बोन। नाउ लेट अस लुक एट दिस एक्सियल स्केलेटन का, इस टाइप की पार्ट्स को अगर हम देखेंगे। नाउ लेट अस लुक एट दिस थिंग्स, हैं तो हम लोग घूम के आएंगे बाद में बात करने के लिए, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन किसको कहेंगे। एक्सियल स्केलेटन हम किसको कहेंगे, एक्सियल स्केलेटन कहेंगे जिसमें आपकी स्कल जुड़ा हो, ठीक है, जिसमें आपका स्कल जुड़ा हो। और काल हो, इसके साथ आपकी हाइड एपरेटस, अच्छा ये सब हम इसको हम लोग आगे कर लेंगे, लेकिन अभी लिख लेते हैं हाइड एपरेटस। उसके साथ है आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, इसके साथ है स्टेरनम। इसके स्टेरनम के साथ है आपकी रिब्स, हायर्ड एपरेटस, वर्टिब्रल कॉलम, स्टेरनम, ये सब मिला के टोटल 8। ओके, अब हम लोग एक टोटल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, ठीक है, एक टोटल हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे बोन्स है। नाउ लेट अस लुक एट दी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ना डायग्रामेटिक। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, आसान शब्दों में समझा दूंगा, फटक से समझ जाओगे, स्वयं इतना देरी में ज्वाइन किया। ओके, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट टेशन ऑफ बोन्स, इन ह्यूमन स्केलेटन ठीक है। चलिए पिक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग, पिक्चर इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो एक आदमी का मुंडी होता है, ये उसकी मुंडी हो गया, ये उसकी गर्दन हो गया, गर्दन के बाद ये उसका आर्म्स वगैरह हो गया, ठीक है, इस टाइप की आर्म्स हो गया। आर्म्स के बाद क्या है, अच्छा यहां तक इसको इतना तक थोड़ा साइज में भी छोटा हो कर देते हैं, ये इसकी आर्म्स हो गया, ठीक है।
ये हो गया। अब यहां से इसकी हाथ निकल के आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया बॉडी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और अब इस जगह पे क्या है कि इसको इस तरह से लेते हैं कि इसी जगह से इसकी रीप हो जाता है, ये इसकी रीप केज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, ये रीप केज। रीप के जाते ही इसी जगह पे इसका ये, और ये कौन सा पार्ट है? ये हमारी जो कमर है, वेस्ट है, वेस्ट का जो बोन है, ये वाला ये पार्ट इसमें है। वेस्ट का बोन ये है बेटा। ये देखने में बड़ा खराब लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा इसको सीधा ड्राइंग करता हूँ। ठीक है, ड्राइंग थोड़ा सा सीधा करता हूँ, वरना देखने में भी ठीक नहीं लगता है इसको, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये गर्दन है, ये इसकी ये पार्ट है, यहाँ से आपका इसका हाथ निकल रहा है। ये आप एक बार घर में प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी बन जाएगी। और फिर यहाँ पर ही इसकी रीब्स हम लोग लगा दें, इसको रीब्स है। ठीक है, और रीब्स के बाद इसी जगह पे इसकी ये आ रहा है, ये आ रहा है इसी जगह पे, और यहाँ से आपका ये निकलते हैं। ठीक है, अब इन यहाँ पर ही आपको ये दिखाया गया है कि यहाँ से ये आपका मेन कॉलम है। अब हम लोग इस पे लिखेंगे कहाँ पर ही कितने बोन्स है। ये यहाँ पर ही है आपकी 28+1। ठीक है, 28+1, प्लस वन मतलब इसी जगह पे एक बोन है। तो ये जगह और ये जगह एक ही जगह होता है, तो इसमें आपका वन है, इसमें आपकी वन है। रीब में इस तरह का 12 और इसमें 12, 12 हो गया। इसमें आपकी दो यहाँ पर ही, दो यहाँ पर ही। इसमें हाथ में, इसमें आपकी 30 बोन्स, इसमें आपकी 30 बोन्स। यहाँ पर ही आपकी 26 बोन्स है, इसमें आपका एक बोन, इसका एक बोन। इसमें पैर में आपकी 30 बोन्स है, ये सारे लेके, और यहाँ पर ही आपकी 30 बोन्स है। तो ये अगर आप कैलकुलेट करो, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे, जैसे स्कल में आपकी कितने बोन्स है? 28 बोन्स। उसके बाद है हाइओइड। ये जो हाइओइड बता रहे ने थे ना अभी, हाइओइड, हाइओइड का मतलब क्या है? मैंने मोटे मोटे अक्षरों में बताता हूं, ये हाइओइड का मतलब है यहां पर ही गर्दन, यहां पर ही नहीं करके ये यहां पर ही भी करो तो ये भी चलेगा, हाइओइड। थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो बताना, नहीं तो समझ में बाद में नहीं आएगा। इसमें आपकी एक बोन्स है। फिर आपको क्या दिख रहे हैं? आपकी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में आपके कितने बोन्स आपको दिख रहे हैं? हेलो, वर्टिब्रल कॉलम में आपको कितना बोन्स दिख रहे हैं? 26 बोन्स। तो यहां पर ही नहीं करके सबसे पहले हम लोग स्टेरनम पे चलते हैं। आपको हमारा दिख रहा है एक स्टेरनम, स्टेरनम पे कितना बोन है? स्टेरनम पे आपकी 0-1 बोन है, स्टेरनम, जो कि मिडिल ऑफ द कॉलम जिस पर आपकी रीब लगा हुआ है, मिडिल ऑफ द कॉलम वेयर द रीब इज बीन कनेक्टेड। आप समझ में आ रहा है मेरी बात को? ये एक कॉलम है,
और इसमें आपका इस टाइप का रिब लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं स्टेरनम। तो ये स्टेरनम में आपकी एक बोन है, रीब में आपकी कितने बोन है, रीब में आपका है 24 बोन्स है, 12 इधर 12 इधर, 24 बोन्स है। और अब आते हैं स्टेरनम, सॉरी अब आते हैं इसमें वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम किसको कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम इसका मतलब है बैकबोन, हमारा जो स्पाइन्स है ना, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं इसको। वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स है, 26 बोन्स है। कुल मिलाकर टोटल कितने बोन हुए, टोटल बोन्स कितने हुए, 80 बोन्स, ऐड कर लो टोटल 80 बोन्स है, ठीक है। हेलो हेलो अब आते हैं, यही काम आएगा आपका एग्जाम में, आपको यही काम आएगा, आपको यही याद करना है। अब आते हैं स्काल की बात, स्काल में कितने बोन्स है, स्काल में 28 बोन है। अब ये 28 बोन की हिसाब लेते हैं, स्काल में टोटल है 28 बोन्स, इसके अब हिसाब लेते हैं। क्या हिसाब लेंगे, हिसाब ये है, स्काल का पार्ट है, इसको कहते हैं क्रैनियम। क्रैनियम में कितने बोन है, 8 बोन्स है, 8 बोन्स। और उसके बाद फेस में कितना बोन है, फेस, ह्यूमन का फेस, फेस में आपकी 14 बोन्स है, 14 बोन्स। ईयर, ईयर में आपका 6 बोन्स है, 6 बोन्स, ठीक है। ये हो गया पार्ट, तो इनमें आप वो देखो 14 और 6 20 और 8 28, तो टोटल कितने हो गए, 28 टोटल, टोटल 28 बोन्स। अब हम लोग इसमें बात करेंगे क्रैनियम का पार्ट क्या है, क्रैनियम का मतलब है स्काल, स्काल के पार्ट क्या है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे। नाउ यू सी, स्काल की पार्ट को बात करेंगे, स्काल का पार्ट में जो है एक है फ्रंटल, दिस इज द फ्रंटल, फ्रंटल कितना, एक। इसके बाद है पेरिएटल, पेरिएटल इधर भी एक होगा, पेरिएटल उस साइड में ही होगा, तो पेरिएटल बोन्स दो। ये जो नंबर दे रहा है ये बोन्स है, जो नंबर लिख रहा हूं ये बोन्स है, ठीक है। तो फ्रंटल में एक बोन, पेरिएटल में दो बोन, उसके बाद ये टेम्पोरल, ये टेम्पोरल बोन कहते हैं, यहां पर भी एक टेम्पोरल होगा, उस साइड में भी एक टेम्पोरल होगा, तो इसमें आपकी दो बोन्स होंगे। उसके बाद है स्फेनॉइड, स्फेनॉइड का एक ही बोन होता है, स्फेनॉइड बोन एक ही होते हैं, स्फेनॉइड। उसके बाद है ऑसिपिटल, ये पीछे की तरफ, ये देखो पीछे की तरफ, यानी कि इस एरिया में आपकी होता है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल में भी आपकी एक ही बोन्स होगा, ओनली वन बोन्स इन द ऑसिपिटल रीजन, ठीक है। उसके बाद है एथमोइड, एथमोइड ये आंखों के ऊपर का ये जो एरिया का ये पार्ट है, इसमें आपकी एथमोइड, ठीक है, एथमोइड बोन्स। और एथमोइड बोन्स तो ये कितना हो गया, एथमोइड का एक हो गया, ऑसिपिटल का एक हो गया, स्फेनॉइड का एक हो गया, तो आप देखो एक दो एक तीन, तीन दो पांच, पांच एक छह, छह एक सात, सात एक आठ। इसी जगह पे एक लिखा हुआ है लैक्रिमल, लैक्रिमल इज अ टाइप ऑफ प्लेस वेयर द लैक्रिमल टिश्यूज आर देयर, लैक्रिमल टिश्यूज से एक ग्लैंड होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, जहां से आंख में आंसू आते हैं, ठीक है, आंख में आंसू आते हैं। और इसके साथ साथ अलग अलग भी बोन्स है, जैसे ये मेन पार्ट का नहीं है, जैसे नासल बोन है, मैक्सिला, मैक्सिला मतलब जबड़ा, अपर का जबड़ा है ना, ऊपर का जबड़ा, और मैंडिबल मतलब नीचे वाला जबड़ा, ठीक है,
तो ये सब है एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, तो ये एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट आते हैं, लेकिन ये जो फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, ऑसिपेटल एंड एथमॉइड, ये आपकी एक्सियल स्केलेटन का यानी कि क्रैनियम का पार्ट है, क्रैनियम, ठीक है? मुंडी, क्रैनियम की पार्ट हो गया, समझ में आया? इसके साथ साथ और भी छोटे मोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें हैं, वो हम लोग को अभी नहीं चाहिए, ठीक है? अब हम लोग पार्ट की बात करेंगे, कुछ पार्ट का नाम हम लोग जान लेंगे, ठीक है? इसके साथ साथ ये ऑसिपेटल बोन जो है, ऑसिपेटल बोन इसी जगह से, ये ऑसिपेटल बोन के एक एक्सटेंशन होते हैं, यहीं पर ही हम लोग लिखेंगे एक्सटेंशन, ऑसिपेटल बोन्स, इसका एक्सटेंशन जो है इसका नाम है फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम से क्या होता है? फोरामेन मैग्नम से आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहते हैं, सो स्पाइनल कॉर्ड अराइजेज एंड कंटिन्यूज, स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूज और अराइजेज, अराइजेज एंड कंटिन्यूज। सो ये फोरामेन मैग्नम पार्ट, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड फोरामेन मैग्नम से जुड़ा हुआ है, फोरामेन मैग्नम ऑसिपेटल बोन से जुड़ा हुआ है, एंड दी होल स्पाइनल कॉर्ड इज बीन कंटिन्यूड, समझ में आया? नाउ यस, ओके। इस पॉइंट में, इस एक जगह पे हम आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं, ये पॉइंट आपको कभी कभार काम आते हैं, किसी किसी जगह में पूछ सकते हैं आपको। सो इस जगह को हम लोग कहेंगे खाल को, यानी कि स्पाइनल को, इट कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इट इज कॉल्ड एज डाई कॉन डाई लिक, क्या बताएं? डाई कॉन डाई लिक, डाई कॉन डाई लिक एंड इट इज कॉल्ड मोनो कॉन डाई लिक, मोनो कॉन डाई लिक। गौर से समझ लो चीजों को, छोटा सा टर्म्स है लेकिन काम का चीज है, ठीक है? डाईकोंडाइलिक का मतलब क्या है? नाउ देयर आर टू ऑसिपेटल कोंडाइल्स, देयर आर टू ऑसिपेटल, आप समझ गए होंगे नीचे की पार्ट, टू ऑसिपिटल कोंडाइल्स, ठीक है? कोंडाइल्स मतलब एक्सटेंशन, देयर आर टू ऑसिपिटल कोंडाइल्स ऑन ऑसिपिटल कोंडाइल्स ईच साइड ऑफ दी फोरामेन, सॉरी फोरामेन मैग्नम, ईच साइड ऑफ, ईच साइड ऑफ
फोर रा मेन मैग्नम। मैंने इसीलिए फोरामेन मैग्नम की बात मैंने पहले ही बता दिया कि फोरामेन मैग्नम आएगा। तो फोरामेन मैग्नम के दोनों साइड में अगर दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स अगर होगा तो इस कंडीशन में इसको कहेंगे डाई कॉन्डाइलिक। डाई कॉन्डाइलिक स्काल का बेस्ट एग्जाम्पल है मैमल्स। मैमल्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डाई कॉन्डाइलिक बोन्स का। इसके साथ डाई कॉन्डाइलिक में ये तो कॉमन, इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन किसका आएंगे? क्वेश्चन होगा एम्फीबियन। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एम्फीबियन का यानी कि फ्रॉग का, एम्फीबियन में भी स्पेशली फ्रॉग का, एम्फीबियन स्पेशली फ्रॉग, जो जो कि बहुत ही लो कैटेगरी का क्या नाम है, वाटीब्रेटा है, वो लो कैटेगरी का वाटीब्रेटा है। इसमें आपकी डाई कॉन्डाइलिक स्काल डिस्को मिलते हैं। मोनो में क्या है? मोनो में देयर आर, होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, देयर आर वन डैश 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 ऑसिपिटल कॉन्डाइल इच साइड ऑफ दी फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम इसकी एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है फिश, इसके एग्जाम्पल है रेप्टाइल, इसके एग्जाम्पल है बर्ड, ठीक है। ये सिंगल कॉन्डाइल, ठीक है, सिंगल कॉन्डाइल, समझ में आया? वन ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स और वन कॉन्डाइल्स आप कह सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा बात है। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा फेस बोन पे बात करेंगे। फेस बोन पे क्या क्या बोन्स है उसका भी थोड़ा सा पार्ट है, वो पार्ट को हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक बार और मैं आपको चीजों को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। एक बार और आप देख लीजिए, स्काल में 28 बोन है, क्रैनियम 8 बोन है। क्रैनियम के बारे में हमने देख लिया क्या पार्ट है। अब आते हैं फेस के बारे में। एक-एक स्टेप्स को हम लोग कवर अप करेंगे, किसी स्टेप्स में छूटेगा नहीं। ये जो पिक्चर मैंने लगा के रखा है, ये बाद में हम लोग पिक्चर को डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग बात करेंगे फेस का। फिलहाल हम लोग बात करेंगे किसका? हेलो, हाँ अच्छा, अभी आप ये बताओ, फटाफट से बताओ कि ह्यूमन बोन्स का आपकी मुंडी से लेके आपकी बॉडी में, सिर्फ हाथ और पैर छोड़ के, आप कितना याद कर सकते हो, कितने बोन्स है? फटाफट एक पिक्चर को एक मन में ड्रॉ करके बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से पिक्चर ड्रॉ करके मन में बताओ। हेलो हेलो स्टूडेंट, जल्दी से मन में बताओ कि किस टाइप की हो सकते हैं हमारे। देखो जब भी पढ़ोगे ना, एक बार मन में पिक्चर फटाफट से बिठा लेना, ठीक है। ये देखो हमारी स्काल में है 28, हाइओइड में है 1, हमारे दो कंधे जहां है यहां पर ही दो दो करके बोन्स, इस सब छोड़ दो, हाथ में 30 30 बोन्स, हमारी जो चेस्ट है
वो चेस्ट में 12 12 बोन्स इधर उधर, उसके जो मिडिल पार्ट है जिसको स्टेनम कहते हैं उसमें एक ही बोन्स है, उसके बाद टोटल जो वर्टिब्रल कलम है पीछे का बैकबोन उसमें 26 बोन्स है, ठीक है। और हमारे जो वेस्ट में जो बोन्स है वो इधर एक, यानी कि टोटल मिला के 2 बोन्स है, और पैर में 30 30 बोन्स है। फटाफट से याद कर लो इसको, ठीक है, फटाफट याद कर लो। अब हम लोग आते हैं फेस की बात, व्हाट वी अंडरस्टैंड फेस बोन्स। फेस में कितने बोन्स है, चलिए फेस का बात करते हैं। फेस में क्या क्या पार्ट है ये पहले देखते हैं। सबसे पहले फेस का पार्ट हम लोग कहेंगे, इसको कहते हैं मैक्सिला। क्या कहते हैं इसको, मैक्सिला। मैक्सिला का मतलब क्या है, मैक्सिला का मतलब है आप अपर जॉ। मैक्सिला का मतलब अपर जॉ। अपर जॉ में कितनी बोन्स है, अपर जॉ में 2 बोन्स है। एक मम्मी का थप्पड़ से टूटता है, दूसरी पापा के थप्पड़ से टूटते हैं, मैक्सिला। दूसरी दूसरा आता है मैंडिबल। मैंडिबल, मैंडिबल में क्या है, लोअर जॉ। मैंडिबल में क्या है, लोअर जॉ। लोअर जॉ में कितने होते हैं, एक बोन्स। कितने बोन्स होते हैं, ओनली 1 बोन्स। क्या होते हैं बेटा, 1 बोन्स। उसके बाद कुछ और भी है, जैसे इसको कहते हैं जाइगोमैटिक आर्क। सर नाम भी कभी नहीं सुना है, ये जाइगोमेटिक आर्क क्या होता है, चलिए इसके एक मोटे मोटे अक्षरों में इसको क्या कॉमन नाम में कहते हैं, इसको कहते हैं चिक बोन, गालों का बोन। इसको क्या कहते हैं, चिक बोन। लेकिन चिक बोन आप नहीं कहोगे, आप इसको याद करोगे, कोशिश करोगे, जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक आर्क। इसको कहते हैं जाइगोमैटिक आर्क, यानी कि चीक बोन, गालों का बोन। इसमें कितने बोन है, 2 बोन्स। तो कितने टोटल बोन्स हो गए, टोटल बोन्स कितने हो गए, 5 5 बोन्स। कितने हो गए, 5 बोन्स। तो फेस में कितने बोन्स, अभी मैंने बताया था 14 बोन्स। तो बाकी बोन्स कहाँ गए, यस फेस का बाकी बोन्स कहाँ गए, हमने बताया था फेस की 14 बोन्स है, आपका हिसाब आ रहा है 5 बोन्स की, बाकी बोन्स कहाँ गए, बस बाकी बोन्स आपको गए नसाल बोन्स। नसाल बोन्स, नसाल में कितने बोन्स गए, इस ये तो आपकी टोटल गए, नसाल में आपके गए 2 बोन्स। ये टोटल लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूज करोगे, 2 बोन्स नसाल में गए। नंबर 5, लैक्रिमल। लैक्रिमल में कितने बोन्स गए, 2 बोन्स, ठीक है। और भी है, इसको कहते हैं पैलाटाइन, ठीक है, पैलाटाइन। इसमें आपकी गए 2 बोन्स, इसके बाद गए टर्बिनल्स, धीरे धीरे टर्बिनल्स, टर्बाइनल्स बोलो या टर्बिनल्स बोलो, टर्बाइनल्स में आपकी 2 बोन्स है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एज वॉर्मर। वॉर्मर, वॉर्मर में आपकी है 1 बोन्स। तो कितने बोन्स हो गए,
दो सात, दो नौ, दो ग्यारह, 12, 13 और एक। तो फेस में कितने बोन है? फेस बोन्स, बार बार लिखेंगे, फेस बोन्स। फेस बोन में कितना बोन है? 14 बोन्स। 14 बोन्स की, या 14 बोन्स की अलग कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं हाइओइड बोन्स के बारे में बात करेंगे। हाइओइड बोन्स, देखो हाइओइड बोन का एक कॉमन नाम है, इसको कहते हैं टंग बोन। इसको टंग बोन भी कहते हैं। यह हाइओइड बोन है यू शेप, इट इज यू शेप, ठीक है, यू शेप। ये किसी के साथ घूमते नहीं थे, ये कहां पर ही रहते हैं? प्रेजेंट इन द थ्रोट पार्ट, हमारे गले का जो पार्ट है ना, उस जगह पे प्रेजेंट इन थ्रोट एरिया। मैं आपको एक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका, यहां से आपकी चीक का शुरुआत होता है, ये आपकी नेक की पार्ट है, गले का पार्ट है ना, नेक का। तो आप देखो, या यहाँ पर ही आपको, यहाँ पर ही एडम्स एप्पल आपको नजर आएंगे, है ना, इसमें आपकी एडम्स एप्पल नजर आएंगे। तो इस जगह पे जो बोन रहते हैं, ये बोन जो है, इसको कहते हैं हाइओइड बोन्स। इसको क्या कहते हैं? हाइओइड बोन्स। ये एक्चुअली यू शेप का, ये पूरा नहीं है, मैं आपको इसलिए जस्ट समझाने के लिए ये इस टाइप का ड्रॉ किया है कि ये एक्चुअली इस टाइप के होते हैं। यहाँ पर ही इस टाइप का बोन होता है, राइट, यहाँ इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। ये सिर्फ बॉयज में, यानी कि मेन में होते हैं एडम्स एप्पल। फीमेल में इस टाइप के एडम्स एप्पल नहीं होता, ओनली इन मेल। अब हाइओइड बोन तो सब में होता है, हाइओइड बोन सब में होता है, लेकिन फीमेल, मेल में क्या होता है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट होते हैं और उसको कहते हैं एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। अब फीमेल में ये थोड़ा प्लेन रहते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं, थ्रोट एरिया में जो बोन है, इसको कहते हैं हाइओइड बोन्स। सो इसीलिए ये काल का ही पार्ट माना जाता है, और ये एक्चुअली 28+1 इसको कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अब हम लोग चलेंगे धीरे धीरे वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। कॉलम की तरफ हम लोग चलेंगे। वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन। इस जगह पे एक कैच है, हमने बताया 26, ये सही है, लेकिन एडल्ट की कंडीशन में ये 26 बोन्स है, और चिल्ड्रन की कंडीशन में, चिल्ड्रन की कंडीशन में ये 33 है। चिल्ड्रन में 33 वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं और एडल्ट में 26 वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। समझ में आया? नाउ इस कॉलम का कुछ स्ट्रक्चर भी हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, इट कैन बी अ वेरी इजी, जो जबकि ये बहुत सारा क्रिटिकल पार्ट होते हैं,
लेकिन हमने एक ना एक बताएंगे कि अब हम लोग इसका तीन पार्ट को स्टडी करेंगे। नाउ वी विल स्टडी द थ्री पार्ट ऑफ दी वर्टिब्रल, थ्री नहीं एक्चुअली फोर, फोर एंड फाइव पार्ट ऑफ दी वर्टिब्रल कॉलम। सो लेट अस टेक दिस पिक्चर, ठीक है। इस पिक्चर को हम लोग ले लेते हैं और नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं। नाउ लुक एट दिस कॉलम हियर, व्हाट वी विल सी। ये पिक्चर बायजूस की वेबसाइट से लिया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। ये ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। यहां से आपको दिखाई देगा एक है सर्विकल पार्ट जो सी से शुरू होता है, C1 से लेके C7 तक सर्विकल पार्ट। ये सब एक एक कॉलम है ना, वन कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, इस टाइप की कॉलम है। तो ये पहला सर्विकल कॉलम सर्विकल पार्ट है, ठीक है। द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज थोरासिक पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, थोरासिक पार्ट। थोरासिक कॉलम को T1 से लेके T12 तक डिफाइन किया जाता है। थोरासिक में T आते हैं, ठीक है। सो ये L होगा, ये L। थोरासिक में T1 से लेके T12 तक डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज लंबर। लंबर में क्या होता है, L1 से लेके L5 तक डिफाइन किया जाता है। और उसके बाद हो गया सैक्रल रीजन, सैक्रल का पार्ट आते हैं, ये S1 से S5 तक है। और लास्ट इज आप एक्सटर्नल पार्ट, आई मीन एक्स्ट्रा पार्ट, वो उसको कहते हैं कॉकीजिल। उसको क्या कहते हैं, कॉकीजिल, ठीक है। ये आपकी जो आसान आसान है वो हम लोग समझेंगे, आसान आसान सा है। सो दिस इज द एक्चुअली नंबर ऑफ बोन्स इन दी वर्टिब्रल कॉलम, सी अंडरस्टैंड। अब वर्टिब्रल कॉलम की कुछ रीजन्स भी है, वर्टिब्रल कॉलम हैज सम रीजन, तो उस रीजन को हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। रीजन्स को क्या है, इसको थोड़ा सा साइट कर देते हैं और इस जगह पे हम लोग रीजन को समझेंगे। सो वी विल राइट दैट रीजन ऑफ दी वर्टिब्रल कॉलम। हम लोग क्या हेडिंग करेंगे, रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब इनमें बोन्स कितने होंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले नेक रीजन, नेक रीजन, नेक रीजन को कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रा और सर्विकल रीजन। देखो आपकी बाएं तरफ में पिक्चर दिख रहा है सर्विकल वर्टिब्रा। सर्विकल वर्टिब्रा में, सर्विकल वर्टिब्रा में एडल्ट में कितना बोन होंगे, ए फॉर एडल्ट, ए फॉर एडल्ट। एडल्ट में है 7 बोन्स और सी फॉर चाइल्ड, चाइल्ड में है 7 बोन्स। ये 7 है बोन्स के नंबर, ठीक है। द नेक्स्ट इज इसको कहते हैं चेस्ट रीजन। चेस्ट में, चेस्ट रीजन के साथ कितने नहीं बोन्स इसमें जुड़ा हुआ है, चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन को क्या कहते हैं, थोरासिक वर्टिब्रा, थोरासिक वर्टिब्रा, थोरासिक
थोड़ा सी ग्वाटिब्रा में क्या होता है, एडल्ट की कंडीशन में, एडल्ट में भी 12 बोन्स, चाइल्ड में 12 बोन्स, दोनों में 12 12 बोन्स है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। सॉरी, ये नंबर टू होगा। नंबर थ्री, नंबर थ्री में एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन में कितने बोन्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं, पहले इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लंबर, इसको कहते हैं लंबर वर्टिब्रा। एक्चुअली इसमें लास्ट में ई है सब जगह में, वर्टिब्रे कहते हैं इसको, सो लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। लंबर वर्टिब्रे में फिर हम देखेंगे एडल्ट की कंडीशन में कितने हैं और चाइल्ड की कंडीशन में कितने बोन्स हैं। सो एडल्ट की कंडीशन में लंबर में 5 और चाइल्ड में भी लंबर 5, तो 5-5 बोन्स हो गए। नंबर फोर, नंबर फोर इज हिप रीजन, ये हिप के साथ भी जुड़ा हुआ है, हिप रीजन। सो हिप रीजन में आपकी वो, इसको क्या कहते हैं, सैक्रल, इस रीजन को कहते हैं सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रल की कंडीशन में देखो, अब हम लोग इसमें आएंगे, सैक्रल पे देखो, सैक्रल के रीजन में एडल्ट में, एडल्ट के लिए 1, एडल्ट के लिए 1, लेकिन चाइल्ड के लिए 5, एडल्ट के लिए 1 और चाइल्ड के लिए 5, ठीक है। अब आते हैं टेल रीजन, ठीक है, टेल रीजन यानी कि वर्टिब्रा का भी टेल पार्ट होता है, वर्टिब्रा का टेल पार्ट होता है, यस टेल होता है, तो टेल रीजन, इस टेल रीजन को क्या कहेंगे, आप देख सकते हो, इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, टेल रीजन को कॉकिक्स, इसको क्या कहते हैं, कॉकिक्स और कॉकी जिल,